साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण आज लगने जा रहा है। ये साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एक पूर्ण सूर्य ग्रहण है, ये काफी लंबा माना जा रहा है। ऐसे में इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन इसको लेकर लोगों के मन में कई सवाल भी पैदा हो रहे हैं, जैसे कि ये कहाँ कहाँ दिखेगा, कितने बजे दिखाई देगा, और सबसे जरूरी सवाल कि ये भारत में लगेगा या नहीं, और अगर लगेगा तो इसका समय क्या होगा। तो चलिए इन्हीं सारे सवालों के देते हैं आपको जवाब। सबसे पहले आपको बता दें कि हिंदू धर्म में ग्रहण को शुभ नहीं माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय सभी देवी देवता कष्ट में रहते हैं, ऐसे में ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए मंत्रों का जाप करने के लिए कहा जाता है। आपको बता दें कि भारतीय समय के अनुसार सूर्य ग्रहण सोमवार की रात 9:12 से शुरू होगा और मंगलवार की रात 2:22 तक रहेगा। सूर्य ग्रहण अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा और उत्तरी अमेरिका के कई देशों में दिखने वाला है। साथ ही कोस्टा डोमिनिका और फ्रेंच पॉलिनेशिया में भी ये ग्रहण दिखाई देगा, लेकिन भारत में ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा। पर दुनिया के कई हिस्सों में कहीं पूर्ण तो कहीं आंशिक सूर्य ग्रहण के नज़ारे बखूबी देखे जा सकेंगे, इसलिए ये ग्रहण भारत में ना तो दिखाई देगा और ना ही इसका कोई यहाँ पर असर पड़ेगा। सूर्य ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। जैसा कि साल के पहले सूर्य ग्रहण के समय भारत में रात रहेगी, जिसका असर यहाँ नहीं होगा, इसके कारण सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। सूतक काल सनातन धर्म में विशेष महत्व है। सूतक काल से ग्रहण खत्म होने तक कुछ खास नियमों का पालन करना चाहिए। तो वहीं आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण के समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं बाहर जाने से बचें। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को कुछ भी नुकीली चीज, काटने की चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और इस दौरान गर्भवती महिलाओं को सोने से भी बचना चाहिए। बता दें कि भगवान की तस्वीरों, मूर्तियों का स्पर्श ना करें, भगवान की पूजा पाठ भी ना करें। सूतक काल से ग्रहण खत्म होने तक भोजन ना पकाएं और ना ही भोजन ग्रहण करें। और बीमार, बुजुर्ग, बच्चों के लिए नियम सभी लागू होते हैं। ग्रहण को भूलकर भी खुली आंखों से ना देखें, इसके लिए एक्सरे का इस्तेमाल करें। जाहिर है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूरज की रोशनी गायब हो जाती है और लगभग तुरंत ही परिदृश्य के एक छोटे से हिस्से पर फिर से दिखाई देती है। एक झटके में आइनोस्फीयर का तापमान और घनत्व गिर जाता है और फिर बढ़ जाता है, जिससे आइनोस्फीयर में लहरें उठने लगती हैं। तो वहीं सूर्य ग्रहण को देखने के लिए लोग बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। कनाडा के ओंटारियो प्रांत का नियाग्रा क्षेत्र सूर्य ग्रहण देखने के लिए आने वाले लोगों के स्वागत में जुट गया है। यहाँ 10 लाख से ज्यादा पर्यटकों के आने की उम्मीद है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।